नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी दो चीजें हो रही हैं देश में और दो राज्यों में हो रही। एक तो पहला राज्य और हमारा राज्य, मेरा राज्य यानी बिहार, जहां पर लगातार सरकारी जगहों में लोगों को, युवाओं को मौका मिल रहा है। तो दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि हमारे भगवानों की नगरी, सब वहीं पर है, वृंदावन, काशी और अयोध्या। अयोध्या में अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होना है उसको लेकर काफी उत्सुकता है लोगों में। लेकिन ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं, एक तरफ मंदिर और एक तरफ शिक्षा की बातें हो रही। एक स्वघोषित पत्रकार हैं बिहार के, वो बिहार से अभी यूपी में गए हैं और वहां पर जो भी भारत की अभी विपक्षियां पार्टी हैं उनको रावण और कंस की औलाद कह रहे हैं, जबकि क्या उन्हें पता नहीं है कि खुद वो रावण की औलाद यानी कि रावण के वंशज। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे, वो खुद रावण के वंशज। उसके बाद कह रहे हैं कि वो रावण की औलाद है। हम तो कृष्ण भगवान के वंशज हैं, शायद वो अपने वंशज को भूल गए कि वो रावण के वंशज। नहीं तो इधर रावण के वंशज काफी जयकारा लगाते भी। अब आते हैं दूसरी बात, ये तो पहली होगी एक प्राथमिकता के तौर पर मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये कि यूपी में जाकर उनके कामकाज दिखा रहे हैं, क्या यूपी में कुछ गलत नहीं हो रहा? बीएचयू में जो लड़की के साथ गैंग रेप हुआ वो खबर कब चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक बीजेपी का एजेंडा है, नहीं चलेगा। वो एमपी में चुनाव प्रचार करके चला गया, ये सब नहीं दिखाया, वो कभी नहीं दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? तब तक वो बंद रहा न्यूज चैनल, अभी जब आया बाहर तो सब काम होने लगा। बिहार में सरकारी नौकरी दी जा रही है ये खबर नहीं चलाएगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो बोल रहे हैं। 2024 का चुनाव सर पर है, 2-3 महीने हैं, क्या पता उसे भी टिकट मिल जाए। लेकिन मिल जाए अच्छी बात है, बहुत मेहनत कर रहा है, ना मिले तो उससे भी बेहतर है, क्योंकि आप समझते हैं कि क्या करेगा वो। हमारे यहां एक कहावत है, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, वही वाली बात है वो। सरकार अगर अच्छी चल रही है ना तो सही है, अपना चल रही है, वो कुत्ते की तरह भौंकने से ना हम गिरा देंगे, वो कर देंगे, फलाना ठिकाना वाली बात। अरे जब गिरना होगा, दोनों में मनभेद होगा, गिर जाएगा, क्या पता नहीं गिरे, गिर भी जाए उसके बाद सत्ता दूसरे हाथ में रह जाए। ये तो एक प्रक्रिया है, होना होगा, वो राजनीतिक पार्टियां जानेंगी। लेकिन एक स्वघोषित पत्रकार होने के नाते अगर इस तरह से बोलना किसी को कि कंस है, कंस की औलाद है, रावण की औलाद है, तो भाई वो कंस की औलाद जॉब दे रहा है, वो रावण की औलाद जॉब दे रहा है, तुम तो वास्तव में अपने रावण की औलाद है, रावण के वंश है, उसके बाद भी सवाल नहीं कर पा रहा जो राम भगवान की मूर्ति लगा रहा है। अपने वंशजों के लिए तो कुछ कर लेता, अपने वंशजों के लिए कुछ नहीं करता। अगर यही बात अभी खत्म हो जाए ना तो देखना, जब मार्च अप्रैल आएगा तो करेगा हम इसके वंशज हैं। तो समझने के लिए इशारा काफी, आप लोग समझ ही गए होंगे किसके तरफ हो रहा है। आप लोगों को डिसाइड करना है, जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए या राम मंदिर चाहिए। दो अलग अलग पहलू हैं, एक पर जहां आस्था का विषय है, जहां मन को शांति मिलती है, और दूसरा है जो एक पेट का विषय है, जहां पर आपका जीवन यापन चलेगा। कौन कंस कह रहा है, कौन रावण कह रहा है, उस सब बात से परे होकर आपको यह डिसाइड करना है। तो बस आप ही के लिए यह वीडियो बनाया, क्योंकि लगातार काफी दिनों से देख रहा हूं मैं कि कंस की औलाद, रावण की औलाद, ये फलाना ढिकाना बोले जा रहा है। तो आप लोग सोचिए और आप ही फैसला करना है, नहीं तो 2024 जिस तरह से आप बेटी का शादी कोई करता है ना, तो सोच विचार के उसी तरह वोट भी आप दीजिएगा सोच विचार करके। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।